नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीपी 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वेलकम डिस्टिलरी की देशी शराब से भरे ट्रक के लूट के मामले में कोटा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिस्टिलरी के पूर्व कर्मचारी सूरज कोल ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से 33 पेटी शराब जब्त किया गया है। 5 आरोपी मामले में अब भी फरार है। दरअसल बीते 13 नवंबर को वेलकम डिस्टिलरी छेरका बांधा से देशी शराब से भरा ट्रक राजनांदगांव के लिए निकला था, लेकिन इसी बीच घोड़ामार मुरुम खदान के पास बोलेरो सवार 3 युवकों ने ड्राइवर के ऊपर मिर्च पाउडर डालकर ट्रक लूट लिया और फरार हो गए। मामले की रिपोर्ट थाने में होते ही पुलिस ने आरोपियों की पता साजिश शुरू की। इस बीच 14 नवंबर को मुंगेली जिले में गाड़ी जली हुई हालत में और कुछ शराब की बोतलें नदी में बहती हुई मिली। जांच में पता चला कि मामले में डिस्टिलरी के पूर्व कर्मचारी सूरज कोल सहित 9 लोग वारदात में शामिल हैं। पुलिस ने सूरज की पता साजिश शुरू की। इस दौरान सूरज नहीं मिला, लेकिन अन्य 4 आरोपी सनी मानिकपुरी, महेश ग्रित लहरे, संजू ग्रित लहरे और प्रीत कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मास्टरमाइंड सहित अन्य फरार 5 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। 13 तारीख को कोटा थाना क्षेत्र में शराब सहित एक ट्रक की लूट की घटना हुई थी। घटना काफ़ी बड़ी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक महोदय ने काफ़ी इस घटना को गंभीरता से लिया था और तत्काल एडिशनल एसपी ग्रामीण संदेह ध्रुव के नेतृत्व में एसडीओपी कोटा के साथ साथ जो अन्य जो क्राइम के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं ऐसे अधिकारियों की अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई गई थी। इस घटना में जो प्रमुख बात थी, घटना इस में जो ट्रक गायब हुई थी वो ट्रक सरगांव क्षेत्र में जली हुई हालत में मिली थी। इसको देखते हुए घटना स्थल से लेके सरगांव तक के सभी जो मेन सीसीटीवी चौक चौराहे के सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए, इसी फुटेज में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि जो ट्रक गायब हुई थी ट्रक के पीछे एक बोलेरो पुलिस को दिखाई दी थी। इस बोलेरो के बारे में जब पता साझी की गई तो इससे मिलता हुआ बोलेरो कोटा क्षेत्र में रहने वाले सनी मानिकपुरी के पास देखा गया था, जिससे इस आधार पर सनी मानिकपुरी को लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर सनी मानिकपुरी ने पूरी घटना स्वीकार किया और अपने साथ अन्य आरोपियों को भी बारे में बताया। बारी बारी से उनको भी कुछ आरोपी फरार हैं जो मिले उनसे लाके पूछताछ करने पर उन्हें भी अपने जुर्म स्वीकार किया गया है। अभी तक इनसे लूटे हुए 33 पेटी शराब जब्त किए गए हैं। साथ में घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट बोलेरो वाहन भी इनसे जब्त किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईडीपी 24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।